वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से आज एक डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया गया है। मेमोरेंडम का ताल्लुक ये है कि कर्नाटक गवर्नमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ डीसी साहब को कि पंचायत इलेक्शन करवाया जाए या ना करवाया जाए। हमारी ये मांग है कि पंचायत इलेक्शन करवाएं, और अगर पंचायत इलेक्शन नहीं करवाते हैं तो पहले के जो पंचायत मेंबर्स हैं उनको कंटिन्यूशन करवाएं। तो और तीसरी बात, बीजेपी गवर्नमेंट की जो साजिश है के नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर नॉमिनेटेड पंचायत मेंबर्स लाने की जो साजिश है, हम उसके ख़िलाफ़ खंडन करते हैं। उसके ख़िलाफ़ हम ये एहतजाज करते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ना लाएं, क्योंकि अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स लाए तो बीजेपी का ही राज चलेगा पंचायत पे। ये कानून 373 आर्टिकल का ख़िलाफ़ है। उसके हिसाब से हम ये मांग करते हैं कि पंचायत इलेक्शन करवाएँ, या नहीं तो जो पहले के मेंबर्स हैं उनको कंटिन्यू करवाएं। बारी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। हम ये मेमोरेंडम डीसी साहब को ये दे रहे हैं कि पंचायत इलेक्शन जो है गवर्नमेंट से नॉमिनेट करने का कुछ एक मुहिम बनाए हैं हम लोग। हमारी ये मांग है कि पंचायत इलेक्शन कराएँ, यह तो जो पहले के जो मेंबर हैं उनको कंटिन्यू करें, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है जो चाहे मनमानी कर सकती है, तो इसमें भी जो है पूरे उनके लोगों को लाएंगे तो फिर जो है पूरा ये ख़राब हो जाता। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि या तो इलेक्शन कराएं या तो जो पहले हैं मेंबर उन्हीं को जो है कंटिन्यू करें। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रियासती कर्नाटक में एक एहतजाज मुहिम चला रही है। पूरे कर्नाटक में इस मुहिम ये मुहिम को लेकर उठी है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो नॉमिनेट करने का जो मंसूबा बना रही है, और डीसी साहब से ओपिनियन मांगी है कि भाई आप अपना वहाँ का सर्वे करके ओपिनियन दो, हम नॉमिनेट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसलिए हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, ये जमहूरियत को पूरा ख़त्म करने की ये शुरुआत है, यहाँ से जमहूरियत ख़त्म होने वाली है। अगर ये पंचायत मेंबर आज नॉमिनेट होते हैं तो आगे आने वाले दिनों में म्यूनसिपाली के जो काउंसलर नॉमिनेट होंगे, फिर उसके बाद कॉरपोरेटर नॉमिनेट होंगे, उसके बाद फिर एमएलए नॉमिनेट होंगे। इस तरह से ये शुरुआत है जो बीजेपी चाहती है कि ये शुरुआत को हम करें और इसमें हम कामयाब हों। ये बीजेपी की एक साजिश है, हम ये साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। अगर बीजेपी हमारी मांग को ठुकराते हुए नॉमिनेट करती है तो हम रियासत भर कर्नाटक में हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम पब्लिक को ये बताएंगे कि भी यहाँ पर इस बीजेपी की साजिश चल रही है, इसको सब मिलके इसके अपोज करना है। हमारा ये मांग है डीसी साहब से कि आप ऐसी रिपोर्ट बनाइए कि यहाँ की आवाम, यहाँ के लीडर्स, यहाँ के सब दानेश्वर इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे हैं, इसके खिलाफ़ हैं, इसलिए आप इलेक्शन कराइए, बल्कि आप रिपोर्ट कीजिए। ये हमारी डीसी साहब से मांग है।